subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th. फ्रेंड्स मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए 18 फरवरी 2021 को फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है एवं सेकेंड सिटिंग में भी मैथमेटिक्स का ही एग्जाम है. और दोस्तों मैं आपको बता दूँ फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम से पहले ही लीक हो चुका है. मेरे पास भी कुछ ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं. तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप सभी को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे पास आया हुआ है उसका आंसर बताने जा रहा हूं. तो आप लोगों को आंसर की का भी इंतजार होगा. तो मैं आपको इस वीडियो में 100% करेक्ट आंसर के साथ आंसर की बताने जा रहा हूं जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है उन सभी का. और आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है एवं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है. आप उन सभी में जुड़ जाइए और क्वेश्चंस का पीडीएफ बनाकर आप अवश्य मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी सेट कोड होगा मैं सभी सेट कोड का आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा. और दोस्तों मैं आपको बता दूं आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिएगा ताकि जो आगे के क्वेश्चंस अगर लीक होते हैं या फिर जो उनसे जुड़ी स्टडी मटेरियल होगी वो आपको इस चैनल पर अप टू डेट देखने को मिल जाएगी. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेट कोड स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि सेट कोड के साथ क्वेश्चंस नहीं आया. तो सेट कोड कुछ भी हो सकता है आपके सेट कोड अलग अलग हो सकते हैं. क्वेश्चंस सभी में समान ही रहते हैं बस सीरियल नंबर का थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है. तो आप अपने क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है उसमें आप मिला लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन कौन से सीरियल में है और उसके बाद आंसर मिलाने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आंसर जो है वो सही हुआ है. तो फिलहाल यहाँ पर पहला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है. तो अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय होगा. तो देखिए पाई अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है ये भी अपरिमेय है. तो डी नंबर बच गया जो कि अपरिमेय नहीं परिमेय है. अब कैसे परिमेय है तो देखिए 75 को आप लिख सकते हैं 25 या 75 मतलब 25 गुने 3 लिख सकते हैं रूट में. बाहर वाले को आप छोड़ दीजिए और 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3 से 3 कैंसिल होगा. देखिए 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा 5/4 बाहर आ जाएगा. तो 3 गुने 5/4 अर्थात 15/4 होगा जो कि परिमेय संख्या है. तो ये अपरिमेय नहीं है ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा. मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट भी दे देता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है. चलिए यहाँ पे है कि अल्फा और बीटा का द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है. तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है. तो -b के जगह पर देखिए -3 है तो -3 और बट्टा ए के जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो +3 हो जाएगा. +3 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है 3 तो ए इसका उत्तर हो जाएगा. उसके बाद आगे तीसरा प्रश्न जो आया है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के शून्यक होंगे. तो देखिए इसमें सबसे आसान तरीका होता है जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस में x का मान रख लीजिए और देखिए कौन कौन से मान पे ये शून्य के बराबर हो जाता है ये बहुपद तो वो आपका आंसर हो जाएगा. तो मैं आपको तीसरा का आंसर बता देता हूँ आप लोग मान रख के चेक कर लीजिएगा ये शून्य हो जाएगा. -3/2 और 4/3 पे जो है आप मान इसमें रखेंगे दोनों अलग अलग करके तो दोनों पे ये बहुपद जो है ये शून्य हो जाएगा. तो बी जो है ये इसका शून्य हो जाएगा बी तीसरा का उत्तर हो जाएगा. चौथा प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्या है उसका गुणनफल 2166 दे दिया गया है और उनका मौसा अर्थात HCF 19 दे दिया है तो लौसा तो आप पढ़े होंगे मौसा गुने लौसा मतलब मौसा गुने लौसा बराबर पढ़े होंगे आप संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुने b आपके पास दे दिया है आपको निकालना है लौसा तो लौसा बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा लौसा बराबर a गुने b का मान है 2166 अब बट्टा मौसा का मान दे दिया है 19 तो बट्टा में गुना है इधर लाएंगे तो बट्टा में होगा 19 से जब आप इसको काटेंगे तो इसका मान 114 आएगा 114 19 से आप भाग देकर देख लीजिए 2166 में 114 आएगा. ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. पांचवा प्रश्न है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x+1 है तो क्योंकि x+1 है गुणनखंड है तो इसका मतलब x+1 = 0 होना चाहिए तभी ये गुणनखंड होगा. तो कहता है x का शून्य px का शून्य क्या होगा तो शून्य निकालना है तो x = -1 शून्य का मतलब x का मान निकालना है तो -1 रखेंगे बहुपद में px में तो बहुपद शून्य हो जाएगा. तो -1 ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अगर देखिए गुणनखंड प्लस में हो तो आंसर माइनस में होगा अगर माइनस में रहता तो प्लस में होता तो -1 इसका आंसर हो जाएगा. आगे चलिए देखते हैं छठा प्रश्न जो आया है समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और इतना दिया है 3x - y + 12 = 0 का आलेख कहता है दो सरल रेखाएं हैं
ऑब्वियस है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा ही होगा आलेख। तो कहता है कि ये जो है ये किस प्रकार का होगा, समांतर सरल रेखा होगा या संपाती होगा या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका नियम होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उसमें अलग अलग कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। तो इसमें मैं देख लेता हूँ होता क्या है। देखिए अगर मैं सजा लेता हूँ, a1 है 6 और बट्टा a2 है 3, तो 6/2 पहले बराबर ही कर लेते हैं। देखिए b1 है -2 और b2 है आपका -1, फिर c1 क्या है, तो c1 है 9 और c2 है 12। तो देखिए यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो a1/a2 मतलब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 जो है ये b1/b2 के बराबर तो है लेकिन यहाँ बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका आप ग्राफ पता है, इसके कोई भी हल नहीं होंगे। और हल कब नहीं होंगे, जब ग्राफ जो है जब सरल रेखा समांतर होगा, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समांतर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ए का मान दे दिया गया है, देखिए 2^3 × 3 × और बी भी दे दिया। तो देखिए लॉसर निकालना है, तो लॉसर में क्या होता है, यहाँ जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का मान देखिए 2 का गुणनखंड जो दिया गया है 2 के पावर में, तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 लेंगे। गुना में क्या होता है, जो लॉसर में क्या होता है, जो कॉमन है उनको तो लेना ही है, बाकी उसके अलावा सभी को लेना है। तो 2 का पावर 4 में आपका 2 का पावर 3 भी आ गया, और जो रेस्ट बचेगा 2 बचेगा 2 का पावर 4 हो गया। गुने 3, देखिए इसमें है इसमें नहीं है तो 3 लेंगे ही, 5 दोनों में है तो दोनों में से कोई एक में का एक लेंगे, मतलब 2 में से 1 लेंगे, कॉमन लेना है और 7 लेना है। तो 2 का पावर 4 हो गया, 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 3 = 48। इस तरह से इसको जब आप गुना करेंगे तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, 1680 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है आठवां प्रश्न कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 − 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक दिया है तो शून्यक में आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालेंगे -5 ये 5 में -3 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और अल्फा गुने बीटा निकालेंगे तो 5 × 15 -15 होगा। और बहुपद क्या होता है, बहुपद मतलब px बराबर होता है x² − α + β × x और प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें मान रख लीजिए x² − α + β का मान है 2, तो 2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15। तो x² − 2x − 15 ऑप्शन नंबर सी में देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आप देख सकते हैं, समांतर श्रेणी -10 − 6 − 2 का सारबंतर। तो डी के डी बराबर क्या होता है, a2 − a1, तो -6 − −10, तो −6 + 10 कितना होगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं है जिसमें आपका x का पावर 2 नहीं रहेगा, वो नहीं होगा। तो इसमें x का पावर आप देखिए यहाँ माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो 2x² ये तो होगा ही। इसमें देखिए 2x² है और यहाँ x² होगा सॉल्व करने पे, तो कटने पे भी x² बच जाएगा, ये भी द्विघात है। इसमें भी देख लीजिए आप 3x² है, इसमें से x² घटेगा फिर भी 2x² बचेगा, तो x² का टर्म बचेगा तो द्विघात होगा। बाकी इसमें देखिए √2x और +3² है, तो ये फिक्स है, 2x² एक साइड आएगा और दूसरे साइड भी 2x² है, तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 7x² − 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं गुणनफलों का अनुपात। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बट्टा मूलों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा। तो मूलों का योग होता है -b/a, तो डायरेक्ट मैं रखता हूँ -b/a, तो -(-12) बट्टा ए है 7 बट्टा c/a अल्फा गुने बीटा c/a, तो 18/7। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, -± + 12/18 इसको काट लीजिए, 3 यहाँ पे आपका 3 × 6 = 18 और 2 × 6 = 12, तो 2/3 मतलब 2:3 हुआ, 2:3 आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है, 2:3 ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आया है इस बीच में कुछ कुछ छूट गया है, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो h ऊंचाई दे दिया गया है, r त्रिज्या दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि यदि बेलन का ब्यास दे दिया है, देखिए d दिया है तो r कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद h = 20 सेंटीमीटर दे दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, देखिए 2πrh तो होता ही है वक्र पृष्ठ, प्लस नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त मिलाकर 2πr² होता है, जिसको आप ऐसे भी पढ़े होंगे 2π
आर इंटू आर प्लस एच, इसमें आप मान रख लीजिएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान रख लीजिएगा 14 और एच का मान रख लीजिएगा 20। तो इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, 2992 आएगा, 2992 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए, यदि गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाते, गोले की त्रिज्या कहता है 3 गुनी कर दिया जाता है तो आयतन, तो पहले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अब कहता है 3 गुना आर को कर दिया गया, तो बाद वाला देखिए 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 3 आर का क्यूब कर लीजिए, तो इसका मान आ जाएगा 4/3 ही रखते हैं इसी के टर्म में, 4/3 पाई आर का क्यूब करेंगे तो आर क्यूब अगुने 3 का हो जाएगा 27, तो कितना गुना हुआ, पहले का 27 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं 27 गुना ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद शायद 41 नंबर क्वेश्चन है जो कि स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं गेस करके बता रहा हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे 7 है 3 है 6 है 8 है, उसके बाद 1 9 है 10 है, 7 3 5 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 10 है, फिर 9 है, 13 है, तो इसको पहले क्या होता है माधिका निकालना है, तो माधिका में पहले सीरियली सजाते हैं, तो जब आप सीरियली सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, 3 3 के बाद आएगा आपका 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद आएगा 8 8 के बाद आएगा 9 9 के बाद आएगा 10 और 1 है 13, तो पहले इसको गिना जाता है कि इसमें अंकों की संख्या सम संख्या में है या विषम में है, तो आप गिन लीजिए 2 4 6 8 टोटल 8 है, मतलब सम संख्या में है, तो जब सम संख्या में तो होता है तो 3 इधर से हटा दीजिए 3 इधर से हटा दीजिए, बीच वाले दो संख्याओं का माध्य निकाल लीजिए, तो 7 + 8/2 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15/2 जिसका मान होगा 7.5, तो मेरे अनुसार से ऑप्शन नंबर बी होगा जहाँ तक मुझे इसमें अक्षर दिखाई पड़ रहा है, अगर डिजिट चेंज होगा तो फिर अलग होगा, विषम होगा तो केवल बीच वाला संख्या हो जाता है, ये आपको भी पता होगा, तो 7.5 बी इसका आंसर होना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे संख्या दे दिया गया, कहता है बहुलक, तो बहुलक आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार 9 आया है, 9 1 2 3 4 बार आया है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक बारंबारता वाला जो है आंकड़ा ही बहुलक कहलाता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 43 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको पता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरे से भाग नहीं लगे, तो 13 में एक और 13 के अलावा दूसरे से नहीं लगेगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की, शीर्ष का मतलब हेड आने की, देखिए 2 सिक्के को जब आप उछालेंगे क्या क्या आएगा, तो क्या क्या आएगा, हेड हेड आ सकता है, जब 2 सिक्का को एक बार उछालिएगा तो टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, यही ना आएगा, तो कहता है कि 2 शीर्ष आने की मतलब 2 हेड आने की, तो 2 हेड एक ही बार आ सकता है और टोटल 4 बार संभावना है, तो 1/4 हो जाएगा, मतलब घटनाओं की संख्या 1/4 कुल संभावित परिणाम, तो 1/4 आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 3 गुनी है, तो इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग कहिएगा कि गलत आंसर बता रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये स्तंभ है, तो इसका छाया तो नीचे की ओर बनेगा, तो छाया की कहता है ये एक्स अगर मान लेते हैं तो इसकी ऊंचाई जो है 3 गुनी है, तो 3x हो जाएगा, तो कहता है ये थीटा जो है ये कितना बनेगा, जो उन्नयन कोण है वो कितना बनेगा, तो आप यहाँ पे 10θ लगा लीजिए, तो 10θ बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, तो 3x/x हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो 10θ बराबर हो जाएगा 3, तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री जो है 3 होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉस ऑफ ए बी, देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का लॉस जो होता है वो उसका गुणनफल ही होता है, तो ए गुने बी हो जाएगा, मान लीजिए 3 और 5 का आपको लॉस निकालना है, तो क्या करेंगे आप, 3 5 अभाज्य संख्या है तो इन दोनों का गुना कर लेंगे 15 होगा, तो इसका गुणनफल होगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 50 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो आप याद रखिएगा 1 से ज़्यादा कभी भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, और 33% भी 100% से कम है, और 7/6 जब आप निकालेगा तो 1.1 समथिंग आएगा, मतलब 1 से ज़्यादा हो गया तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, डी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि 4 5 9 11 x का माध्य दे दिया है, तो आप इसको जोड़ लीजिएगा 4 + 5 + 9 + 11 + x 2/5 तो है तो बराबर हो जाएगा 7, तो इसको जोड़िएगा 11 9 20 5 25 4 29, तो 29 + x बराबर इसको कोना कोनी गुना करिएगा 35, तो x का मान क्या होगा 35 में से 29 घटा दीजिएगा तो 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, x का मान 6 हो जाएगा।
52 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है, तो आप इसमें डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर बी चार है तो चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस फोर ए सी तो चार गुने एक गुने चार तो 16 हो जाएगा मतलब जीरो। तो डी बराबर जीरो होने पर मूल वास्तविक और समान होता है, आप सभी को पता होगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 3 अल्फा बराबर दे दिया है 90 डिग्री, तो देखिए 3 अल्फा बराबर जब 90 डिग्री है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 30 या 90 तो 30 डिग्री, तो साइन अल्फा पूछा गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा का मान क्या हुआ, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 1/2। 54 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45, तो देखिए ये इंटरमीडिएट से ले लिया है, ये 10th के सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं इसको बनाने में थोड़ा लंबा समय लगता है। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये है साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस माइनस होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जहाँ ए के जगह पे देखिए, ए के जगह पे आपको 45 रखना है, बी के जगह पे थीटा रखना है, तो देखिएगा इसका मान जो आएगा वो जीरो आ जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x इतना इतना के हल हैं, तो देखिए हल कहने का मतलब इसमें से कौन सा ऐसा मान इसमें x और y के जगह पे रखेंगे कि ये जो है सेटिस्फाई करेगा, तो पहला ही देख लीजिए, अगर दो रखते हैं x का मान और y का 3, तो देखिए 5 दुना 10 और 3 दुना 6 तो 10 6 16 हो गया, और इसमें रखिए तो 7 दुना 14 और माइनस 4 3 12 14 में से 12 जाएगा 2 होगा, तो पहला ही इसका सेटिस्फाई करता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे 62 नंबर प्रश्न है, क्योंकि देखिए जितना ही क्वेश्चन आया उसका बता रहा हूँ, 62 में सह अभाज्य संख्याओं का महोत्सव आपने पढ़ा होगा, सह अभाज्य संख्या का महोत्सव एक होता है। उसके बाद है m एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो कहते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 4m+1 के रूप का होगा, जैसे जहां m का मान कोई भी धनात्मक रख लीजिए, मान लीजिए m का मान 1 रखते हैं तो 4 × 4 और 1 × 5, विषम संख्या 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 = 9, विषम संख्या 3 रखेंगे 4 × 3 = 12 × 1 = 13, विषम संख्या लेकिन 2 रखेंगे +2 या +4 तो ये सम आएगा, लेकिन यहाँ पे विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। रैखिक बहुपद का, आप रैखिक बहुपद को ही एक घातीय बहुपद कहा जाता है, तो रैखिक का एक शून्यक होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, मतलब जितना घात वाला होगा उतना शून्यक होगा, तो 64 का बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है, तो इसमें आप देख लीजिए मान रख के -1 रखिएगा तो ये इसका मान शून्य हो जाएगा, तो इसका शून्यक -1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि px = qx * gx है, px का घात 6 है, तो हम मान लेते हैं px बराबर जो है ये x^6 मान लेते हैं, ये 6 घात वाला है और कहता है gx^2 है, तो gx भी हम मान लेते हैं, gx = x^2, ये भी 2 घात वाला हो गया, तो कहता है कि px/gx^2 होगा, तो बट्टा कर लीजिए दोनों साइड, तो देखिए x² से काटिएगा तो x^4 से कट जाएगा, तो इसका घात क्या हुआ, 4 हुआ, तो कहता है px/gx^2 क्या होगा, तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन मेरे पास अभी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, बाकी सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का अलग वीडियो में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के जो नेक्स्ट और क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसका एक अच्छे तरीके से PDF बनाकर फ्रंट पेज के साथ आप लोग सेंड कीजिएगा ग्रुप में या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको 100% करेक्ट आंसर के साथ किसी भी सेट का आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर के साथ, तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।